आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन चार स्किल के बारे में, अगर आप उसे जान जाएंगे तो आपके लाइफ में चेंजिंग हो सकती है और आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। उन चार स्किल में से सबसे पहला स्किल जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा टाइम मैनेजमेंट और तीसरा डिजिटल मार्केटिंग और चौथा जो है पब्लिक स्पीकिंग। देखिए कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पहले जान लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी एबिलिटी है जिसके द्वारा हम अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल हमारे लाइफ के बुनियादी में से सबसे एक है। कम्युनिकेशन स्किल वो आर्ट है जिसके द्वारा हम दूसरों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ और अपना कैरेक्टर खराब भी कर सकते हैं। एक ये जरूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा हुआ पर्सन ही कम्युनिकेशन स्किल उसे आता है। कम्युनिकेशन स्किल के जरिए आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को दिखा भी सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल देखिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है हमें समझने और समझाने के लिए, इसीलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अब जो दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, देखिए हमें बड़ा विचित्र लगता है कि हमें टाइम के बारे में सोचते हैं लेकिन हम जब जीते हैं तो हमें सिंपल सा लगता है, लेकिन हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए वो एक बराबर होता है और टाइम से बड़ा कोई शक्तिशाली है ही नहीं। उसका अपना फिक्स टाइम होता है और उसे कैसे यूज करे वो उस पर निर्भर करता है जो उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें अपने टाइम को भी अच्छे से उसका बनाना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए, रूटीन के अनुसार हमें टाइम को भी फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए ये भी एक स्किल है। और नंबर 3 पे जो है डिजिटल मार्केटिंग, देखिए आज के आधुनिक युग में हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत आसान तरीका है, इंटरनेट ने तो हमारे जीवन को बहुत ही बेहतर बना चुका है। हम डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा कर सकते हैं, ये लैपटॉप या मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं। इसलिए हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जरूर जरूर जानकारी होना चाहिए। अब नंबर 4 जो स्किल है हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल। पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक ऐसा स्किल है, अगर मान लीजिए हम कहीं पे जाते हैं तो भीड़ इलाके में, तो वहां पे हमें जरूर खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो स्पीच के लिए हो, डिबेट के लिए हो या बधाई देने के लिए, तो उसमें हमें बहुत ही हिचकिचाहट होती है और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा थरथराहट हो जाती है। उसको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर उस इलाके पे जा रहे हैं, उस जगह जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें रिसर्च करना चाहिए, हमें उसको अच्छे से पढ़ के आना चाहिए जिस टॉपिक पे बोलना है। अगर हमें कोई भी टॉपिक मिल जाए कि इस पे आपको बोलना है, तो उस पे पहले हमें अच्छे से रिसर्च करके आना चाहिए, उसके बाद अच्छे से बोलना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं सोशल वर्क के लिए तो वहां पे तो कुछ ना कुछ बोलना होता है। तो ये मैंने 4 स्किल आपको बताया, कम्युनिकेशन स्किल और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और चौथा पब्लिक स्पीकिंग। तो ये 4 स्किल हमें बिल्कुल सीख लेना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा, आप लोग पूरी वीडियो देखे होंगे। आप लोग सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसे लगी, और शेयर करना ना भूलें।